तो मतलब भाई क्या हालचाल। तो यहाँ पे जो है गाइस, आप लोगों में से काफी सबसे ज्यादा लोग मुझे कमेंट करके एक ही सवाल पूछ रहे हैं इंस्टाग्राम पे। बोले गाइस आप लोग बोल रहे हैं कि आप मेरा यूट्यूब चैनल प्रमोट नहीं करते, मेरा यूट्यूब चैनल प्रमोट नहीं करते और प्रमोट नहीं करते हो। तो बेसिकली गाइस यहाँ पे सीन क्या हो रहा है कि अगर आपका यूट्यूब चैनल ग्रो नहीं कर रहा है और अगर आप किसी से प्रमोशन करवा रहे हो, अभी फॉर एग्जाम्पल मेरे 18,000 सब्सक्राइबर हैं। अब यहाँ पे गाइस सीन क्या हो रहा है कि 18,000 से 19,000 तो होने ही वाले हैं, लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है कि अगर मैं इतने सारे लोगों के चैनल प्रमोट करूँगा, बेसिकली मेरा यूट्यूब और मोबाइल फ़ोन से रिलेटेड कंटेंट है, लेकिन जब से मैंने यूट्यूब चैनल के रिलेटेड कंटेंट डालना शुरू किया है तो लोगों ने क्या किया कि खुद का अपना यूट्यूब चैनल का भी इश्यू बना लिया है। इससे कि मैं ऐसा कंसिडर कर सकता हूँ कि 17,000 लोग एटलीस्ट यूट्यूबर है जो कि मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। लेकिन यहाँ पे सीन क्या हो रहा है कि 17,000 यूट्यूबर्स का अगर मैं यहाँ पे चैनल प्रमोट करने निकलूँ तो यहाँ पर मतलब 17,000 लोगों का चैनल मैं अकेला प्रमोट नहीं कर पाता हूँ। इसलिए गाइस किसी का चैनल प्रमोट करना, और यूट्यूब खुद नहीं बोलता कि आप किसी का चैनल प्रमोट करो क्योंकि इसके गाइडलाइंस के अगेंस्ट है। आप किसी भी यूट्यूबर दूसरे यूट्यूबर का चैनल प्रमोट नहीं कर सकते हो। आप कुल्लैप जरूर कर सकते हो लेकिन आप यूट्यूब चैनल प्रमोट नहीं कर सकते हो। एक बेसिक सा फंडा है कि यूट्यूब किसी को भी चैनल प्रमोट नहीं करने देता। एक यूट्यूबर थे जिनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, उन्होंने भी इसी तरीके से दया अपनी, उनके तो 1 मिलियन सब्सक्राइबर थे, उन्होंने तो अपनी दया भावना दिखाते हुए अपने एक व्यूअर का चैनल प्रमोट कर दिया था। लेकिन हुआ क्या कि बदले में उन्हें मिली कॉपीराइट स्ट्राइक और उनका चैनल जाते जाते बचा था। इस चैनल जो है डिलीट होते होते बचा था। तो ये काफ़ी सबसे बड़ी बात है कि चैनल डिलीट होते होते बचना उनका वाला। तो ये सीन हो जो हम सभी यूट्यूबर्स के साथ में होता है, इसलिए हम किसी भी यूट्यूबर के चैनल को प्रमोट नहीं करते हैं। अब जो आप अपना चैनल किस तरीके से मतलब अगर किसी से प्रमोट करवाते हो तो इसका क्या फ़ायदा होता है आपको? तो बेसिकली इसका कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला। आप इनिशियली व्यूज़ ग्रो कर लोगे, इनिशियली सब्सक्राइबर ग्रो कर लोगे, लेकिन घूम फिर के बात वहीं आती है कि अगर कोई प्रमोट करेगा तो आप आगे बढ़ोगे। मतलब गाइस अगर आप खुद से अपने चैनल को ग्रो करते हो, खुद से अपने यूट्यूब चैनल को समझते हो कि चीज़ें सारी कैसी काम कर रही है, क्या क्या चीज़ें आपको कंसिडर करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें अगर आप पहले ही समझ ले तो अपने यूट्यूब चैनल को चलाते हुए तो आपको समझ में आ जाएगी कि चैनल ग्रो कैसे करता है। अगर आप एक ग्रो करोगे उसके पीछे दूसरा चैनल ऑटोमेटिकली ग्रो करने वाला हो, लेकिन आप सोचते हो कि हम किसी से चैनल को प्रमोट करवाएं तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती। क्योंकि आप आज की डेट के अंदर आप किसी से यूट्यूब चैनल को प्रमोट करवा लो तो आपको इनिशियली व्यूज़ ग्रो करेंगे, जिससे कि मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि आपके व्यूज़ जो है तुरंत ग्रो कर जाएंगे बूम के साथ में। लेकिन उसके बाद क्या, वो बंदा तो आपका चैनल फिर से प्रमोट करने वाला है नहीं, क्योंकि एक ही बार उसने प्रमोट किया तो उसका उस समय व्यूज़ आ गए, थोड़े बहुत सब्सक्राइबर आ गए, लेकिन बाद में क्यों, फिर से वही दिक्कत आएंगी आपको और आप फिर से किसी और की उम्मीद पे बैठोगे कि कोई हमारा चैनल प्रमोट कर दे। तो ये चीज़ अपने दिमाग से निकाल दोगे, कोई भी आपका यूट्यूब चैनल प्रमोट करेगा भैया, क्योंकि ये जंग बहुत बड़ी है और यूट्यूबर बनना भी कोई आसान काम होता नहीं है। यहाँ पे हमें कॉन्टेंट क्वालिटी कॉन्टेंट बनाने होते हैं। तो बेसिकली गाइस आप देख सकते हो कि पिछले कुछ समय से मैं अपना DSLR भी यूज़ नहीं कर रहा, और यहाँ पर जो है घर में जो गाइस शिफ्टिंग का काम चल रहा है, मेरा ऑफिस का काम चल रहा है, क्योंकि मैं खुद का ऑफिस बना रहा हूँ, तो इसलिए सारा सेटअप जो करने में मुझे वक्त लग रहा है। और इसी बीच अगर COVID-19 के अभी अभी अनलॉक हुआ है सारी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें होने में वक्त लगता है, और इसी चक्कर के अंदर सारा सामान उथल पुथल पड़ा, DSLR में बनाने का कोई मतलब नहीं, फिर क्वालिटी कंटेंट किस बात का। तो इस सारी चीज़ें हमें समझनी, इसलिए इससे अच्छा तो मैं वॉइस ओवर कर लूँ अपने वीडियोस के अंदर। इसलिए पिछले 4-5 वीडियो से मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ, इससे मेरे चैनल को इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा, लेकिन ठीक है ना, ना कुछ से कुछ देना बेटर है। तो बस आपको यही समझा रहा था मैं कि कोई और आपका चैनल प्रमोट कर, इससे बेटर कि आप खुद प्रमोट करो। अगर आप चाहते हो मैं इससे रिलेटेड वीडियो बनाऊँ कि आप अपना चैनल किस तरीके से ग्रो कर सकते हो, किस तरह से प्रमोट कर सकते हो, तो वीडियो के अंदर कमेंट जरूर करना। हाँ तो बस अभी के लिए इतना ही, तब तक प्लीज टेक केयर, बाय।